हेलो एवरीवन, सो यार फाइनली रीप का ऑलमोस्ट राउंड कंडक्ट हो चुके हैं। राजस्थान वाले राउंड्स बच्चों के लिए 16 अगस्त 2024 को रिलीज हो गए थे, हालांकि इसकी लास्ट डेट जो है 22 अगस्त के आसपास है। अब बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं रिगार्डिंग द एडमिशन एंड अलॉटमेंट। काफी सारे ऐसे 20% से ज्यादा बच्चे हैं रीप राजस्थान के अंदर जिनको अभी तक कुछ भी अलॉटमेंट नहीं आया है। उनके पास ऑप्शन चॉइस एग्जॉस्टेड जैसा शो कर रहा है, यानी कि आपको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है। हालांकि काफी सारे पेरेंट्स और बच्चे इस चिंता में हैं कि भैया हमको जो सीट अलॉट हुआ है वो कुछ गलत सीट अलॉट हो गया है। कुछ बच्चों ने क्या किया, जल्दीबाजी के अंदर काफी सारे पेरेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजों को काफी ज्यादा शौक रहता है, तो भैया गवर्नमेंट कॉलेजों के कॉलेज भर दिए, लाइक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दौसा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज करौली, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा एंड लाइक दैट मेनी मेनी लोकेशंस के कॉलेजेस भर दिए। हालांकि इन कॉलेजेस के बारे में यूट्यूब पे गूगल पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं है। अब सवाल ये निकल के आता है कि भैया ये कॉलेज कैसे हैं, ये कॉलेज अच्छे हैं कि नहीं है, और अगर हम यहाँ पे जा भी जाते हैं, अगर यहाँ पे हम सीएससी जाके पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे, कंपनियों में ट्रेनिंग कहाँ लगाएंगे, इंटर्नशिप कहाँ करेंगे, नौकरी कहाँ लगेगी, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कोई ट्रेन नहीं जाती, जहाँ पे कोई बैलगाड़ी नहीं जाती है, वहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे भाई, इंजीनियरिंग के 4 साल कैसे काटेंगे। हालांकि वहां के रहने वाले लोकल बच्चों के लिए दिस कॉलेज आर गुड, लेकिन हम जयपुर में रहने वाले, हमको नौकरी भी चाहिए, हमको इंटर्नशिप भी करना है, हाउ वी कैन डू इट। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ना बेटा सबसे पहले गवर्नमेंट वाले कॉलेज डाल, उसके बाद हम प्राइवेट वाले डालेंगे। तो काफी सारे बच्चों को ये इश्यू आया कि उन्होंने काफी लोअर जो कॉलेज थे, जिन कॉलेजों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के चक्कर के अंदर उन कॉलेजों को ऊपर डाल दिया। एंड जो कॉलेज आपको मिलने वाले थे, लाइक जैसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज थे, कुछ लोअर ब्रांचेस थी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजों की, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बच्चों ने क्या किया, जैसे पहले ब्रांचेस डाल दी, जैसे 2 ब्रांच आपने डाल दी, MPM जोधपुर, RTU कोटा की CS डाल दी, CTI की CS डाल दी, उसके बाद में बीच में ही आपने क्या कर दिया, कोई लल्लू लाल चमन लाल प्राइवेट कॉलेज का CS डाल दिया। अब जो लल्लू लाल चमन लाल प्राइवेट कॉलेज है वो तो 10,000 रैंक पे भी मिल जाता है, तो आपको वो पहली स्लॉट के अंदर वही कॉलेज अलॉट हो गया। अब आपके पास जो ऊपर जो ब्रांचेस बनी हुई है, लाइक जैसे आपकी रैंक थी 2,000-2,500, तो आपको वो टॉप कॉलेज जो गवर्नमेंट वाले थे MBM RTU वो भी नहीं मिलने वाली। अब अगर आप अपवर्ड में भी जाओगे तो आपको वो मिलने वाले है नहीं, और जो लल्लू लाल चमन लाल है आपने अगर इसमें फीस जमा नहीं कराई तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, और अगर आपने फीस जमा भी करा दी तो भी वो आपको लल्लू लाल चमन लाल कॉलेज ही रहने वाला है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस में हो रहा है बच्चों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी बच्चे ने 5 ऊपर अच्छे अच्छे कॉलेज डाल रखे थे, बाद में बीच में एक कॉलेज डाल दिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज करौली, ऐसे ऐसे कॉलेज डाल दिए, बच्चों को सीट भी अलॉट हो गई। अब अपवर्ड मूवमेंट में जाए तो ऊपर वाले ब्रांच मिल नहीं सकते क्योंकि वो 1,000 रुपये क्लोज हो जा रहे हैं, और अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपको ये कॉलेज भी चला जाएगा, और अगर फीस भर दी तो भी यही कॉलेज मिलेगा। अब भैया करे तो करे क्या, परेशानी ये निकल के आ रही है, ना वो प्राइवेट वाले मिल रहे हैं ना ये गवर्नमेंट वाले मिल रहे हैं, तो अब क्या ऑप्शन है। तो यार नो वरी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारे भैया पिछले 6 साल से आप लोगों की हेल्प करने में लगे हैं। यार हम कोई बच्चे नहीं हैं और ना ही हम कोई यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हमारी सर्विसेज हैं, हमारा बेसिकली एक कंपनी है, हमारा बेसिकली एक बिजनेस है जो कि हम पिछले 6 साल से करते आ रहे हैं, वो भी है लोगों की मदद करना, ठीक है। सो यार हमारी 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल रहती है, चाहे हम सोते हुए रहते हैं चाहे हम जागते हुए रहते हैं, दिन में 24 घंटे पेरेंट्स कॉल करते हैं, बच्चे कॉल करते हैं, भैया ये समस्या है, भैया ये कॉलेज है, भैया ये ब्रांच है। हालांकि राजस्थान से हर साल 200 से ज़्यादा बच्चों को अलॉटमेंट हम आउट ऑफ राजस्थान दिलाते हैं, जो कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, वहाँ से बच्चों के फीडबैक काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपकी रैंक राजस्थान में बहुत अच्छा, आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है भैया, बहुत ही बेकार ब्रांच मिल रहा है, बेकार कॉलेज का, देन आई सजेस्ट कि आप आउट ऑफ राजस्थान में, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अभी आ गए हैं,
बहुत सारी अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अच्छे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचों के अलॉटमेंट अभी आप लोगों के आने आ रहे हैं। काफी सारे बच्चों की हम काउंसलिंग हैंडल कर रहे थे, लेकिन उनको हमने ऑलरेडी अच्छे अलॉटमेंट लाइक CSAB राउंड 2 जोसा के बाद में जो होता है, CUET कॉलेजों के अंदर अच्छे अच्छे अलॉटमेंट दिलाए, जिसके अंदर उन बच्चों को जो यहाँ पे जो सीटें मिल रही थी रीप के अंदर वो हमें अभी कैंसिल करनी पड़ी, उनमें रिपोर्ट भी नहीं किया, तो वो जो सीटें हैं वो वेकेंट रह रही है यहाँ पे। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका रीप में जो इश्यू आ गया कि भैया हमका तो ब्रांच गलत आ गई थी, हमने रीप से एग्जिस्ट कर दिया, तो आपका अगला टारगेट, अगला मोटिव क्या होना चाहिए, इसके फोकस करना चाहिए मैं इसके ऊपर। तो देखो यार, ब्रांचेस तो बहुत सारे कॉलेजेस में रहती है। अब देखो रियर केसेस में क्या होता है कि MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैं बात करूँ CSE ब्रांच की, तो कुछ ही सीटें वैकेंट रहती है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर किसी बच्चे को एडमिशन हो भी गया तो वो क्यों ही सीट छोड़ेगा, राइट? वांट टू परस्यू द कोर्स यार, अच्छा कॉलेज मिला है, अच्छा ब्रांच मिला है, अच्छा पैकेज लगेगा, अच्छा नौकरी लगेगा, ठीक है यार इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चों का यही फोकस रहता है एंड वो कैन परस्यू द कोर्स। एंड ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ये जो इंडस्ट्री है स्पेशली IT वाला जो इतना बूम पे चल रहा है, और ये जो एरिया है स्पेशली जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये अजमेर, ये कोई IT हब है नहीं इधर, ठीक है। इधर ये बेसिकली एरिया फेमस था इतने दिन स्पेशली इन द प्रोडक्शन, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि ये एरिया ही वैसा है, क्योंकि यहाँ पे जॉब है उस फील्ड में। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री है किस चीज की, पत्थर की, माइनिंग की। हमारे खारिया खंगार के अंदर राजस्थान का क्या, इंडिया का ऑलमोस्ट काफी बड़ा इंडस्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, जिसको व्हाइट सीमेंट का कारखाना बोला जाता है। खारिया खंगार के अंदर आई थिंक जोधपुर के अंदर पड़ता है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो मेजोरिटी जो है प्रोडक्शन इंजीनियर्स को हो गया या माइनिंग इंजीनियर्स को जॉब मिल जाता है इधर, ठीक है। जो स्पेशली जो बच्चे सोच रहे ना कोर ब्रांचेस का, हाँ तो यार इसमें मिल जाता है, स्पेशली सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है इन फील्ड्स के अंदर। टेक ब्रांच में कोई बहुत बड़ी महान गाथा नहीं है इधर। टेक वाले जो बच्चे हैं उनको यू नीड टू सिर्फ फॉर द इंटेंसिव एंड ट्रेनिंग यू नो इन द नोएडा एंड गुड़गांव एंड बेंगलोर, तो वो ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा 4 साल बाद, पहले कम से कम एडमिशन तो मिले, राइट? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यार नो वरी, सबसे पहले तो अगर आपका बिल्कुल ही चांसेस नहीं बन रहा है स्पेशली अगर आपको टेक ब्रांचेस की तरफ जाना है, देन हम ट्राई करेंगे आपके लिए स्पेशली ना पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो गया, ठीक है। टेढ़ी गढ़वाल में आपका कॉलेज आता है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा आता है, उसमें अभी स्पोर्ट राउंड चल रहा है, उसके बाद हमारा हेमवती नंदन भोगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी आता है, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, अजमेर किशनगढ़ के अंदर पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास अदर कॉलेजेज है, हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हमको देखने को मिल जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में पड़ता है, पंजाब में IK गुजराल, गेनी जेल सिंह, MRSPTU, ठीक है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, खालसा कॉलेज, पंजाबी यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कुछ कुछ सीटें वैकेंट है, स्पोर्ट राउंड अभी चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर UTU, ठीक है, हो जाता है हमारा। उसके बाद मध्य प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, UP की बहुत सारी काउंसलिंग्स अभी चल रही है, वहां पे भी बहुत सारी एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में काफी सारी सीटें वैकेंट है। राजस्थान में स्पेशली अगर हम बात करें तो यार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में काफी सारी सीटें वैकेंट रहती है स्पोर्ट राउंड के अंदर, हाहा नो वरी हो जाएगा आपका। कुछ प्राइवेट कॉलेज है लाइक जैसे JECRC फाउंडेशन हो गया, एक SKIT नाम का कॉलेज है, ठीक है, काफी अच्छा, ये लोग, इन लोगों का रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है, बच्चों का फीडबैक काफी ठीक है, फीस भी ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है इज पर द प्राइवेट, अगर आप अदर देन कॉलेज देखोगे तो ठीक ठाक है। एंड उसके बाद में हमारा RTU कोटा में काफी सीटें वैकेंट रहती है, सीटें उदयपुर में काफी रहती है। कोर ब्रांचेज में अगर यार हम बात करें तो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में काफी सारी सीटें वैकेंट रहती है। जो बच्चे अभी परेशान हो चुके हैं कि भैया अब तो जो हमको आना था वो आ चुका है, अब क्या करना है क्या नहीं करना, जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि यार बच्चे को किसी ना किसी हालत में कॉलेज में डालना है एक अच्छे ब्रांच में, देन हमारा बोर्डलाइन नंबर दिया आपको, हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल रहता है भैया राजस्थान में आपके लिए, ये है, ये कोर ब्रांचेज है, ये प्राइवेट कॉलेजेज है, आउट ऑफ राजस्थान ये बेस्ट ऑप्शन है, आपको जो भी बेस्ट लगता है
हैं आपके बिहाफ पे, वी कैन वर्क फॉर यू, वी कैन प्रोवाइड द गुड अलॉटमेंट एट गुड कॉलेज। यार बहुत ज्यादा टाइम है नहीं अप्रोक्स, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी लोअर ब्रांच अलॉट हुआ है, कोई ठीक ठाक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन आपके अगर ऊपर अच्छे कॉलेजेस है, भैया मेरे को 10 नंबर का कॉलेज मिल गया है लेकिन मेरे 1 से लेकर 9 तक की जो चॉइसेस है वो काफी अच्छी चॉइसेस है, देन यू कैन गो फॉर द अपवर्ड राउंड। एंड जो बच्चे ऐसे हैं जिनको एकदम बेकार कॉलेज मिल गए हैं एंड ऊपर जो है टॉप के कॉलेज डाल दिए भैया, और हमारे परसेंटाइल 60, 70, 75 है, देन आप ऐसा अपना ब्लॉक ना करें, क्योंकि आप जिन भी कॉलेजों में रिफंड के लिए डालेंगे ये कॉलेज आपको बोलेंगे भैया आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, कई कई केसेस में तो ये कॉलेज 3-3 महीने लगा देते हैं रिफंड देने के अंदर। इसलिए आप अपने पैसों का इंतजाम ठीक से करके रखिए, स्पेशली आप अगर ऐसा केस है भैया इस कॉलेज में डाल देता हूं, अगर नहीं हुआ तो रिफंड ले लूंगा, रिफंड देने में बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग, ऐसा ना हो कि आपके रिफंड के चक्कर में अदर ऑप्शन आपके छूट जाए, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। और नो वरी, 24 घंटे हम चालू रहते हैं, आप हमें कभी भी कॉल करिए, कभी भी व्हाट्सअप करिए, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, इसलिए आप अगेन एंड अगेन आप ट्राई करते रहें, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप दोबारा कॉल करिए, अगले दिन कॉल करिए, रात को कॉल करिए, सुबह कॉल करिए, कभी ना कभी हम आपसे जरूर मिलेंगे, आपको जरूर अच्छे ऑप्शंस बताएंगे, फ्री कोर्स बताते हैं हम, कोई पहले कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि यार हमारा नॉलेज आपके काम आ सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, शायद हमारी 6 साल का एक्सपीरियंस और मेहनत आपका कुछ भला करे, आपको अगर अच्छा अलॉटमेंट दिलाए, देन यू कैन परस्यूइंग अवर पेड कोर्सेस एंड वी कैन प्रोवाइड द गुड अलॉटमेंट एट गुड कोर्स।